नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सीटेट जुलाई नोटिफिकेशन 2022 को लेकर आप सबके लिए समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीटेट के नोटिफिकेशन को जारी करने को लेकर दोस्तों आपको बता दूं, सीटेट की जो एग्ज़ाम है वो अब अगस्त के महीने में आयोजित करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, CBSE बोर्ड का एक नोटिस यहाँ पर दोस्तों जारी हुआ है, जिसके अनुसार 30 मई से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, जो कब तक चलेंगे दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सीटेट की सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होती है। तो दोस्तों, सीटेट में इस बार 35 लाख से ज़्यादा छात्र आवेदन का इंतजार कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन दोस्तों अमूमन मार्च अप्रैल में जारी हो जाता है, जो आपका सीटेट जुलाई में एग्जाम होता है। लेकिन एग्जाम अब सीटेट का जुलाई में आयोजित नहीं हो पाएगा। इसका जो देरी का कारण है, एक तो दोस्तों CBSE बोर्ड की परीक्षाएं को भी बताया जा रहा है। हालांकि CBSE बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर अलग से CBSE की अलग से एक ब्रांच है जो सीटेट की एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें समय लग रहा है। और सीटेट का जो रिजल्ट आया था, तो जो 21 दिसंबर में एग्जाम हुई थी, उसका रिजल्ट मार्च के महीने में आया था। इसी वजह से दोस्तों सीटेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, अप्रैल तक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हालांकि अपडेट ये है कि 30 मई को सीटेट का नोटिफिकेशन महीने के अंत तक जारी हो जाएगा, और आपकी जो एग्ज़ाम है जुलाई में तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगी, लेकिन दोस्तों अगस्त में परीक्षा करवाई जाएगी। और दिसंबर 2021 में जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें दोनों पेपरों में 35.5 लाख छात्रों ने आप जो है एग्ज़ाम में भाग लिया था। इस बार भी 35 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। मात्र 6,65,000 छात्रों को ही पात्रता मिली थी। इसमें पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट वाले छात्र कक्षा 1 से 5 तक के लिए योग्य होते हैं। पेपर सेकंड वाले जो छात्र होते हैं वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए पढ़ाने के लिए योग्य माने जाते हैं। तो दोस्तों सीटेट का अब नोटिफिकेशन है, जल्द ही इसी महीने के लास्ट वीक में 30 मई को अपडेट आ रही है दोस्तों CBSE बोर्ड के अनुसार, और 30 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों जुलाई में आपको संशोधन का मौका दिया जाएगा, आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, और एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम हो पाएगी, या मिड अगस्त तक आप मान के चलिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। क्योंकि लगभग 15 से 20 अगस्त के मध्य आपके जो है एडमिट कार्ड भी जारी होंगे दोस्तों, फिर आपकी एग्ज़ाम 24 अगस्त के आसपास शुरू हो सकती है। तो सीटेट की अब एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगी, एग्ज़ाम अगस्त में होगी, जैसा कि अपडेट आ रही है दोस्तों सूत्रों से। और जल्द ही आपकी सीटेट जुलाई नोटिफिकेशन 2022 की जारी करने की तैयारियां दोस्तों CBSE बोर्ड कर रहा है, और नोटिफिकेशन जारी करके आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सीटेट की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले चैनल पर प्रोवाइड होती है। इस बार 35 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप कंटिन्यूस दोस्तों आपको तैयारी करनी है। एग्ज़ाम आपका दोस्तों ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन में एग्ज़ाम में काफ़ी समय लगता है और रिजल्ट में भी काफ़ी समय लगता है। इसी वजह से जो 2021 का सीटेट हुआ था उसमें काफ़ी समय लगा था, लेकिन इस बार एग्ज़ाम दोस्तों भले ही आपकी 4 दिन एग्ज़ाम हो, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने पर CBSE बोर्ड विचार कर रहा है, इसलिए समय लग रहा है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सीटेट की सभी जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।